नमस्ते एंड वेलकम टू नो हाउ। वो कैब सीरीज़ के दो लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ इस थर्ड लेक्चर में जो हम रूट वर्ड कवर करेंगे वो होगा क्रेसी या आर्की। इसका मतलब होता है शासन या रूल करना। आप सबको पता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हिंदी में कहेंगे लोकतंत्र। डेमो या लोक का मतलब होता है पीपल, वेयर एज क्रेसी है रूल के लिए, तो डेमोक्रेसी होगा रूल बाय पीपल। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सेल्फ के लिए, जैसे ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से ही काम करे। तो ऑटोक्रेसी होगा किसी एक इंसान के पास ही पूरी पावर हो, पूरा कंट्रोल हो। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, ये होगा एक तंत्र। नाजी जर्मनी एग्जाम्पल है ऑटोक्रेसी का। प्राइमरीली वहाँ एक ही इंसान का रूल चलता था, एडोल्फ हिटलर का। नेक्स्ट वर्ड इज थियोक्रेसी। थियो रेफर्स टू गॉड या रिलीजन, हिंदी में कहेंगे धर्मतंत्र। नाउ बिकॉज थियो रेफर्स टू गॉड, तो ऐसा मत समझ लेना कि भगवान भरोसे चलती हुई गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, जो प्रीस्ट या पंडित लाइक फिगर होते हैं जिन्हें रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे भगवान से कनेक्टेड हों, तो वो रूल करते हैं थियोक्रेसी में भगवान के नाम पे। ऑल्सो ये जितना पॉजिटिव साउंड कर रहा है उतना ऑन ग्राउंड है नहीं, क्योंकि कंट्रीज में अलग अलग रिलीजियस बिलीफ रखने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ अगर एक रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा तो धार्मिक कट्टरता बढ़ने लग जाती है। अब नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ये वो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेट्स द्वारा चलाया जाए, हिंदी में कहेंगे प्रशासन तंत्र। फिर है प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब होगा रूल बाय रिच और वेल्दी पीपल। जैसे इंडिया में अगर अंबानी, अडानी, टाटा ये लोग मिलकर रूल करने लग जाएं तो यहाँ प्लूटोक्रेसी आ जाएगी। अगला वर्ड है न्योक्रेसी। न्यू रेफर्स टू न्यू, तो बिल्कुल नए इनएक्सपीरियंस्ड लोग जब रूल करने लग जाएं तो उसे कहेंगे न्योक्रेसी। नेक्स्ट है ओलिगोक्रेसी। ये होता है गवर्नमेंट रन बाय अ फ्यू पीपल, कुछ थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रूल करने लग जाते हैं, तो उसे कहेंगे ओलिगोक्रेसी। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी। ये होगा रूल बाय एलीट क्लास या हाईएस्ट सोशल क्लास, उच्चतम सामाजिक वर्ग के सदस्य द्वारा किया जाने वाला शासन। इनके पास कुछ स्पेशल टाइटल्स होते हैं। अगला वर्ड देखो मोनोक्रेसी या मोनार्की। मोनो एक या सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, तो जो एक फैमिली या एक पर्सन रूल करेगा उसे कहेंगे मोनार्की, बेसिकली गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, जैसे सऊदी अरेबिया में है या फिर कतर में। एब्सोल्यूट मोनार्की है इन कंट्रीज़ में, राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला सीन। नेक्स्ट वर्ड है मॉबोक्रेसी। मॉब यूज़ करते हैं क्राउड या भीड़ के लिए, तो जब गवर्नमेंट ना रहे और क्राउड रूल करने लग जाए तो हम कहेंगे मॉबोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेरिटोक्रेसी। जो क्वालिटी या प्रतिभाशाली मेरिट होल्डर्स जब रूल करते हैं तो उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट है टाइमोक्रेसी। ये वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स ही रूल करेंगे, नो प्रॉपर्टी नो रूल। फिर है टेक्नोक्रेसी। इसमें साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज रखने वाले लोग रूल करते हैं। फिर है क्लेप्टोक्रेसी। ये है रूल बाय करप्ट लीडर्स या थीफ चोर लोग जो रूल करते हैं। इसी से ही मिलता जुलता है थिफोक्रेसी। इसमें एकदम डेजिग्नेटेड चोर रूल करते हैं कंट्री को। नेक्स्ट है जिनोक्रेसी। इसमें जीनियस इंटेलिजेंट लोग कंट्रोल करते हैं या रूल करते हैं कंट्री को। अगला वर्ड है कैकेस्टोक्रेसी। ये होगा रूल बाय लीस्ट सूटेबल सिटीजन, जो सबसे कम योग्य लोग होंगे वो रूल करेंगे इसमें। लास्ट वर्ड और समझ लो जेरंटोक्रेसी। ये होगा रूल बाय ओल्ड पीपल, सोसाइटी के जो सबसे बुजुर्ग लोग होंगे वो रूल करेंगे। अब वीडियो देखने के बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके माइंड में परमानेंटली फिट हो चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आप कुछ टाइम बाद भूलने लगोगे, तो बेटर होगा इन्हें नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि कुछ दिन बाद वापस एक बार नज़र घुमा सको, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और अभी बहुत रूट वर्ड्स बाकी हैं, सो स्टे कनेक्टेड।